मुजम्मिल जिस तरह बात हो रही थी, इरफान शेख साहब ने भी कहा, तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन के खात्मे के लिए, वो आपने पहले बताया था कि लिस्ट एक मौजूद है कि जी 400 लोग हैं तमाम पार्टीज़ के हैं, और वही बात सामने आई कि जी सारी पार्टीज एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि हर पार्टी में जो करप्ट अनासर हैं उनकी कोई फहरिस्त है और उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो जाएगा। और वही बात 15 से 20 सितंबर आपने भी ये कहा था, जहांगीर जदून साहब भी हमारे प्रोग्राम में अभी शुरू में थे, उन्होंने भी बात की। तो ये अब सीना पसीना चल रही है, ये बात सब हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई हवा में या वैसे ही एक अफवाह है, लेकिन ये एक फैक्ट होता नजर आ रहा है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 15 से 20 सितंबर के दरमियान एक बड़ा भरपूर एक्शन होने जा रहा है। देखें, इसमें तो सबसे पहले तो PDM को मुबारक हो, उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुलकर ये कहा कि अगर हम अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हमें कोई ऐसी फेवर मिल जाएगी जो शायद तारीख में किसी और को नहीं मिली। लेकिन फेवर बात वही है ना कि प्रिंसिपल अगर आप छोड़ दें फिर उसके बाद आपको अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर असूल के बगैर सियासत करनी है और सिर्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ आपके नहीं होते और स्टेक होल्डर्स के भी होते हैं। तो अब जो सूरत हाल है, ये क्रैकडाउन के हवाले से जो बात की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इम्प्रेशन जो जा रहा था कि सिर्फ एक पार्टी और उसको लेके स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, वैसा नहीं होगा। ये बाकी पार्टीज़ में भी मामला जाएगा और वो भी फेस उनको करना पड़ेगा किस तरह से वो करते हैं। जहाँ तक हम पहले इलेक्शन के हवाले से बात करते रहे हैं, अब सदर पाकिस्तान के हवाले से भी जो मीटिंग का इंकशाफ हुआ है उसमें भी बताया यही गया कि उनको मैसेज जो के मिला भी है कि अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते इट्स टोटली फाइन, लेकिन उसके बावजूद लगता यही है कि वो कंटिन्यू भी करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो जितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें अपने पीरियड को वो करें। साथ साथ ये भी कि एक ख़त भी भेजा गया उनको और जो कि जेल से हाथ से लिखा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसके बाद सूरत हाल यही लगती है कि ही फील्स कॉन्फिडेंट कि आरिफ अलवी साहब जब तक मौजूद हैं अपने मनसब के ऊपर तो कुछ ना कुछ हमारी से रहेगी, इसीलिए वो बड़ा क्रूशल समझते हैं, तहरीक इंसाफ बड़ा क्रूशल समझती है उनकी पोजीशन को, और वो ये समझते हैं कि शायद कुछ ना कुछ कंसेशन हमें मिल सके अगर वो अपनी जगह पर रहते हैं। और बाहर जाने के हवाले से भी कोशिश की जा रही है, उनकी अहलिया भी कर रही हैं और स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं। तो ये सारा जो पॉलिटिकल मैप है ये हम इस महीने के एंड पे तब्दील होता हुआ देखेंगे, जिसमें एहतसाब की जो ड्राइव है वो भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली जो चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद होगी, और उसमें आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी जो लेटर लिखने की बात है, अब वो भी इसीलिए कि आरिफ अलवी साहब ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे बात माननी भी पड़े किसी की तो ये इंप्रेशन ना जाए कि मैं अपनी पार्टी से डिसलॉयल हूँ। इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी जो उन्होंने ट्वीट किया वो भी तब किया जब पानी सर से गुजर चुका था। उसके बाद तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसको, हालांकि उससे पहले उनके पास ऑप्शन थी कि जिस दिन TV पे खबर चली है वो डिनाई करते उसको और वो स्टैंड लेते, वहाँ पे नहीं लिया उन्होंने। इसी तरह इलेक्शन के हवाले से भी वो करेंगे कि एक बैलेंस्ड ही अप्रोच रखेंगे जिससे इंप्रेशन ये मिलेगा कि उनको बड़े तहफ़ात हैं लेकिन वैसा होगा नहीं। तो यही चीज़ है कि जहाँ तक ये सियासी तब्दीलियों का मामला है तो बहुत से लोग जो हैं वो ज़ेरे अताब आने वाले हैं और उसका आगाज़ हो जाएगा। आज हमने देखा अचानक डॉलर ओपन मार्केट में कम से कम बहुत तेज़ी से नीचे आया और इंटरबैंक में ज़रूर ऊपर गया, लेकिन फ़र्क भी 1.25% का IMF की शरायत है जो मुसलसल जिससे इनहराफ हो रहा था, और जबकि केटेगर सेटअप बार बार कह रहा है जी जो मर्ज़ी हो जाए IMF से हम बाहर नहीं जाएंगे, IMF से बाहर नहीं जाएंगे। अब ये बात आर्मी चीफ के थ्रू भी कोर्ट हुई कि जी IMF ने हमें जकड़ रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम कुछ सांस तो ले सकें। अब जिस तरह डॉलर हमने नीचे आता देखा है, अगर वहाँ पर लोग गए हैं कुछ और हर मनी एक्सचेंज के साथ कोई बंदा मौजूद है तो ये शुगर का भी फिर क्या इस तरह हो सकता है, गंदम का भी फिर इस तरह से हो सकता है, घी का भी फिर हम इस तरह से मामला देख सकते हैं, हर मामले में फिर हम देख सकते हैं कि वहाँ जाकर और एक किरदार अदा किया जा सकता है और ये सारी चीज़ों को फिर कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें ये डॉलर जो नीचे आया ना ये बेसिकली अनसर्टेनिटी ख़त्म होने या कम होने की वजह से आया, ये डायरेक्टली रिफॉर्म का नतीजा नहीं है। अगर बाकी चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है उसके लिए रिफॉर्म चाहिए। स्मगलिंग जो डिस्कस हुई है इस सारी डिबेट के अंदर जो कि इन मीटिंग्स में जो दो मीटिंग्स हुई हैं इसमें हुई है, ये बहुत क्रूशल है। अगर ये रुकेगी नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। सबसे बड़ा मसला टैक्स नेट में बहुत सी अशिया का ना आना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उससे कुछ भी नहीं मिलता जो स्मगलिंग की मद में आता है। आपको मालूम है कराची चले जाइए, आपको खुलेआम वहाँ पर ब्लैक मार्केट के बाज़ार मिलेंगे जहाँ आपको दुनिया भर का माल मिल जाएगा और उस पर कोई ड्यूटी किसी ने अदा नहीं की होती। वो पहुंचता कैसे है वहाँ पे ये किसी को नहीं मालूम,
वैसे जब मेयर कराची का इलेक्शन होता है सब ये सोचते हैं कि अब शायद रिफॉर्म हो जाएगी इसके आने से, या इसके पास कोई ऐसी छड़ी है जादू की जो सब ठीक कर देगा, लेकिन नहीं होता। इसी तरह जो नॉर्दर्न बॉर्डर के थ्रू होता है वो भी हम सब के सामने, जिस पर इस मीटिंग के अंदर भी बात की गई, इसको कर्ब किया जाएगा। ईरानी तेल के हवाले से ये इंकशाफ हुआ था, तकरीबन 30% सिस्टम में ईरानी तेल आ चुका है आपके, विच इज़ अ स्टैगरिंग अमाउंट। इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे एक्शन लेने की बात करे तो हमारे लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं अगर इसको हम कर्ब ना करें तो। और उसकी क्वालिटी पे भी हमें पता है कि वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो स्मगलिंग, आप देखें ना, चीनी सरप्लस पैदा करता है पाकिस्तान। अब एक सरप्लस आपकी क्रिएशन एक चीज़ की, उसके बावजूद वो मार्केट में 250 रुपये की मिल रही हो, तो ये तो एब्सोल्यूट फेलियर है। इसमें तो डिमांड एंड सप्लाई का कोई मसला ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की किकबैक्स का ताल्लुक है। अच्छा। कि एक ऐसी चीज़ जो कि सरप्लस में क्रिएट हो रही है उसका भी बहरान यहाँ पर मसनूई तौर पे लोगों पे नाफिज किया हुआ है, और वो मार्केट में तलाश कर रहे हैं कहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें कोर्ट हुई इन मीटिंग्स में कि इमरान इस्माइल, महमूद खान साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, परवेज़ खटक साहब वो भी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इनके बाकायदा नाम कि जिनके पास क्या था, ये कहाँ तक आ गए हैं, तो ये लोग तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तारीफ कर रहे हैं आर्मी चीफ की, तो क्या इनके खिलाफ भी होगा, फिर इनकी पार्टी का क्या बनेगा? इसी तरह हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में देखा है, अगर शुगर स्कैंडल की बात आती है, करप्ट अनासर की बात आती है, तो वो तो हमें फिर हर पार्टी में मिलते हैं और शुगर स्कैंडल से भी वो जुड़ते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी हम ये जो 400 की फहरिस्त है उनमें उनके नाम भी हैं? देखिए, इसमें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट तो अब नहीं पता हमें, ये मैंने भी देखा है ये बयान कोट हो रहा है, लेकिन अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, आया ये कहा जा रहा था कि पहले ये पार्टी के साथ इतने लॉयल थे अब वो छोड़ के दूसरी तरफ आ गए हैं, या ये कहा जा रहा था कि पहले इनकी पोजिशन और रिस्पेक्ट क्या थी अब नहीं रही, ये कॉन्टेक्स्ट मालूम किए बगैर इस पर तबसरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बेसिक जो सेंट्रल फोकस था SIFC के हवाले से अगर बात की जाए, वो बिज़नेस कम्युनिटी को ये इंश्योर करवाना था कि आपके पास लीगल कवर मौजूद है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट NAB और FBR और एनी अदर थिंग। उसकी वजह यह है कि वन विंडो ऑपरेशन जो है वो सुपर सीड करता है जो लोकल लॉज हैं उसको, क्योंकि पार्लियामान ने उसको गारंटी भी दी है। तो असल तो वो कॉन्फिडेंस था जो मिल गया बिज़नेस कम्युनिटी को, बहुत से लोगों को, लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर भी जो लोग अपने मफाद के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बालाए ताक रख के फवायद लेते रहे हैं, सब्सिडीज़ लेते रहे हैं, इंसेंटिव लेते रहे हैं, आया उस 400 में उनका नाम होगा या नहीं, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के गरीब आवाम ने एक्सप्लॉयट नहीं किया किसी को, इन्हीं टाइकून्स ने किया है जो बहुत से मुल्क पे इस वक्त भी मुसल्लत हैं। अच्छा, एक और फिर जब ये एक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन तो आएगा, तहरीक इंसाफ का तो हम पहले ही देख रहे हैं, उनके तो बहुत से लोग जेल में है, मेन लीडरशिप इधर उधर हो गई, बाकी लोग छोड़कर चले गए, जिस तरह मैंने कुछ के नाम भी लिए हैं, उनका तो मामला अलग से चल ही रहा है, लेकिन जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर इनके लोगों पर हाथ पड़ता है तो फिर इनका भी तो रिएक्शन आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आकर क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कहा जा रहा है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने रास्ता बनाना है, सारी चीज़ें उन्होंने तय करनी है और बड़े भरपूर तरीके से उनकी वापसी होनी है, तो उनके लोग अगर पकड़े जा रहे होंगे तो ये लोग क्या बैठ कर तमाशा देख रहे होंगे, खामोश रहेंगे कि हाँ जी ये सब करप्ट नासिर हमारे अंदर बैठे हुए थे, हमने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा है आप इनको पकड़ें और जो मर्जी इनके साथ सलूक करें हम कुछ नहीं कहेंगे, यही बात जरदारी साहब भी कह रहे होंगे कि जो करना है कर लें, या खुर्शीद साहब की तरह कहेंगे कि जनाब ये बड़ा ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान की रियासत को जिस तरह आप ये एक्शन ले रहे हैं? देखिए, उसमें तो मियां साहब तो वापस आएंगे तो फिर कुछ करेंगे ना, अभी तो मुझे तो अभी तक उस पर कोई ट्रस्ट या उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे, लेकिन जहाँ तक ये एहतसाब का अमल शुरू होने वाली बात है, अब इसमें अगर कोर्ट के थ्रू कुछ होता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब क्या कर लेंगे, जरदारी साहब क्या करेंगे उसके रिएक्शन में? क्या वो कोर्ट के सामने धरना दे देंगे जिस तरह PDM ने दिया था रिसेंटली? वही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और वो कोई ऐसा एहतसाब तो नहीं है जो कि सिस्टम के थ्रू नहीं होगा, वो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? पाकिस्तान में हर चीज़ लॉ के जवाज़ से ही शुरू होती है और कानून साजी को मद्देनज़र रख के किया जाता है, ये भी वैसे ही होगा, तो रहम की अपील के अलावा तो कोई चारा नहीं है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। क्या हम देख रहे होंगे जो परवेज़ इलाही साहब के साथ हो रहा है, अब दूसरों की भी बारी आने लगी है इसका? नहीं, उसमें तो अक्रॉस द बोर्ड, मैंने आपको परसों भी जो हम बात कर रहे थे उसमें यही था कि इसमें तमाम पार्टीज़ के नाम भी होंगे, स्टॉप लिस्ट में भी नाम होंगे, इसके अलावा रेफरेंस भी बनेंगे, कोर्ट्स में भी हम अपेयरेंसेस देखेंगे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस की, और बड़े बड़े स्कैंडल का भी इंकशाफ होगा। मगर वो तो हमेशा ये कहते रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब हों, जरदारी साहब और किसी हद तक नून लीग भी, कि जी इस NAB के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, यानी एहतसाब या तो आप कर लें या आप मईशत को ठीक कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।